अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। टुडेज़ टॉपिक इज़ लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया को स्टडी करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करें, ताकि आपको किसी भी तरह की क्यूरीज हो तो उनका सलूशन आपको मिल सके। तो टॉपिक है आज का हमारा लैमिनेरिया, और लैमिनेरिया में सबसे पहले जो है वो है टैक्सोनॉमिक पोजीशंस। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक पोजीशन में हमें पता है कि हम डिवीजन स्टडी कर रहे हैं स्फियोफाइटा, इट्स क्लास इज हेटरोजेनिटी एंड द ऑर्डर इज लैमिनेरियल्स एंड फैमिली लैमिनेरेसी एंड जीनस इज लैमिनेरिया। ठीक है, तो इन सबको हम स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद जाती है लैमिनेरिया की हैबिटेट, और लैमिनेरिया के हैबिटेट में क्या चीज़ें हैं। इसके हैबिटेट में ये है कि इट्स मोस्टली लिव इन द कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर अलॉन्ग द सी शोर ऑफ द पैसिफिक एंड द एटलांटिक ओशन कहा जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ द कॉमन प्लांट ऑफ द कोल्ड वाटर्स अलॉन्ग द सी शोर्स, यानी जहाँ पे ठंडा पानी होता है, कोल्ड वाटर होता है बहुत ज़्यादा, अलॉन्ग द सी शोर्स यानी साहिल के बिल्कुल साथ साथ। इट इज़ फाउंड एट द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशंस। ठीक है, मोस्टली ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में इसकी अक्रेंस है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, द लैमिनेरिया प्लांट्स डिप्लाइड एंड स्पोरोफिटिक। ठीक है, यानी जो ये प्लांट होते हैं मोस्टली, सबसे पहली बात यह कि जो प्लांट होते क्या हैं, ये होते हैं डिप्लाइड मीन्स टू एन एंड स्पोरोफिटिक। उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफिटिक बॉडी स्ट्रक्चर है डोमिनेंट। ठीक है, एंड द बॉडी ऑफ द लैमिनेरिया वेरियाइज फ्रॉम 0.5 मीटर टू 9 मीटर, मीन्स इसका इतना साइज है कि 0.5 मीटर मीन्स हाफ मीटर से लेकर 9 मीटर्स तक का इसकी लेंथ है। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड इट हैज़ फॉलोइंग डिस्टिंक्ट पार्ट्स। स्पोरोफिटिक मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसकी जो प्लांट बॉडी है उसका जो डोमिनेंट पार्ट है वो स्पोरोफाइट है। ठीक है ना, डोमिनेंट पार्ट जो है वो स्पोरोफिटिक बॉडी है। अब जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उसमें सबसे पहले है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या है, इट इज़ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये बेस पे प्रेजेंट है लाइक द फुट और द रूट, एंड रूट लाइक ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द बेस एंड विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, होल्ड फास्ट का मतलब भी आप समझ सकते हैं उसके वर्ड से, कि वो चीज़ जो उसको वहाँ पे होल्ड कर सके। ठीक है, तो ये इस प्लांट की जो है वो बेस है, जो रूट की तरह होती है, वहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड करती है उसको किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, एंड ऑल्सो इसमें जो है वो रूट लाइक ब्रांचेस भी निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस टाइप। स्टाइप क्या चीज़ है, इट इज़ अनब्रांच्ड लॉन्ग एंड सिलेंडर प्लांट ऑफ द बॉडी, यानी ये वो पार्ट है प्लांट बॉडी का जो सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है। ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर मीन्स बड़ा लंबा सा। ठीक है, तो वो लॉन्ग पार्ट है, मीन्स के एक स्टेम की तरह है। इट प्रोड्यूसेस द ब्लेड एट इट्स टिप, उसकी टिप पे जो है वो ब्लेड बनता है, विच इज़ एक्ट लाइक ए स्पोर्टिंग ऑर्गन। और जो ब्लेड टिप पे बनता है उसका जो परफॉर्मेंस का फंक्शन है वो क्या है, वो उसको स्पोर्ट प्रोवाइड करता है। ये नीचे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अभी देखिए जस्ट लाइक ए लीफ एक ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये देखिए ये एक पूरी प्लांट बॉडी है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जैसे आप सिंपल एक लीफ देखते हैं प्लांट का, कि नीचे उसकी एक पिटियोल हॉर्स, ऊपर ये उसका पूरा ब्लेड है, ये सेम लाइक उसकी फुल प्लांट बॉडी है लैमिनेरिया की। ऊपर उसका लैमिना है, ठीक है, नीचे उसका होल्ड फास्ट है, फिर स्टाइप है, एंड नेक्स्ट इज द लैमिना, ये जो पूरा ब्रॉड पार्ट है ऊपर। ठीक है, लीफ की तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो है फिर है ब्लेड और लैमिना, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अब उसको देख लेते हैं होता है क्या है। इट इज़ द स्पोर्टिंग पार्ट और इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ द ब्लेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही लीफ का एक ब्लेड है जिसको हम लैमिना कहते हैं, या ब्रॉडर पार्ट होता है लीफ का, सेम लाइक उसका अपर पोर्शन है। ठीक है, इट हैज़ अ स्मूथ और द वेवी मार्जिन। अब इसके मार्जिन स्मूथ भी हो सकते हैं, वेवी भी। जैसे हमने लीफ के स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा आपने जो एनाटॉमी है उसमें आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो कि लीफ के किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके मार्जिन किस तरह के हैं, वो उसमें कोई वेवी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेट हैं, वो स्मूथ हैं, उनकी कोई शेप है। ठीक है, तो ये सब जो है वो स्मूथ और मार्जिन जो है उसमें वेवी स्ट्रक्चर आ सकता है। दो वेराइटी हैं इसमें। इन सम स्पीशीज इट इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी सेगमेंट्स, और कुछ में होता है कि ये ब्लेड के जो मार्जिन है उसमें बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स बने होते हैं, डिवीजन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ थैलस। थैलस की ग्रोथ किस तरह होती है, ग्रोथ ऑफ
hallucis is by an intercalary meristem present at the junction of the stipe and the blade. जो growth है thallus की, thallus के size में जो increase होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा intercalary meristem से. अब intercalary meristem कौन सी जगह पे present है, ये present है at the junction of the stipe and the blade, यानी जहाँ पे stipe और blade की junction point है वो attach होते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे intercalary meristem present है जिसकी वजह से इसकी growth होती है. ठीक है, there is a continuous increase in the length of the stipe by the actual activity of the length at the base almost equal to the abrasion at the apex. अच्छा, अब किस तरह से होता है कंटिन्यूस इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टाइप. स्टाइप की इंक्रीज में एक कंटिन्यूस इंक्रीज होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम. जाहिर है मेरिस्टेम टिश्यूज जो है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है या सेल्स प्रेजेंट है, उन्हीं की एक्टिविटी की वजह से स्टाइप की लेंथ में इंक्रीज होगा. ठीक है, हार द लेंथ ऑफ द ब्लेड रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट. लेकिन क्या होता है कि जो ब्लेड की लेंथ है वो मोस्टली सेम ही रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है. बिकॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेस ऑलमोस्ट इक्वल्स, क्योंकि जो इंक्रीज है बेस की लेंथ में या ब्लेड की लेंथ में जो इंक्रीज है वो रिमेन्स, वो कॉन्स्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि जो बेस की लेंथ में इंक्रीज है इज ऑलमोस्ट सी इक्वल सी इंक्रीज एट द एपेक्स. जितना भी लेंथ उसकी जो ब्लेड की बेस में इंक्रीज होगा उतना ही ब्लेड के एपेक्स में इंक्रीज होता है. तो उससे ये होता है कि जो उसकी लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है जो फुल ब्लेड की लेंथ है. बात की समझ आई है आपको. द ब्लेड्स ऑफ मोस्ट स्पीशीज ग्रो फॉर वन ईयर एंड दे डिसइंटीग्रेट, यानी मोस्टली स्पीशीज का जो ब्लेड है वो वन ईयर तक ग्रो करता है और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट करता है आफ्टर द प्लांट हैज डिस्चार्ज इट्स ज़ूओस्पोर्स. उस वक्त तक जब प्लांट जो है वो उसके ज़ूओस्पोर्स को डिस्चार्ज कर दे. ठीक है, तो ये है लेमिनेरिया जिसको आज हमने स्टडी किया है, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और उसकी ग्रोथ ऑफ थैलस. ठीक है, उसमें आपने होल्ड फास्ट ब्लेड और उसका जो स्टाइप का पोर्शन है, थ्री उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने स्टडी किए हैं, और ऊपर से फिर जो है उसकी लेमिनेरिया पोजिशन, उसके टैक्सोनॉमिक पोजिशन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स एंड अक्रेंस और हैबिटेट जो भी आप इसको कहें. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एज यूजल आपका रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन स्टडी कर लेंगे, उसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आई होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर रहता है, पसंद आता है आपको लेक्चर, तो लाइक ज़रूर क्या करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस किया करें. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.